तो आज का दिन जो है हम लोग के लिए गर्व का दिन है, हम लोग के लिए नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज के लिए गर्व का दिन है। क्यों? क्योंकि जो है शिक्षक का जो पद होता है हमारे समाज में, हमारे देश में, जो वो भगवान से भी ऊंचा माना गया है। शिक्षक ही है जो हमारे देश के निर्माता होते हैं, समाज के निर्माता होते हैं। जो आज जो है शिक्षक दिवस जिसको हम याद करके मनाते हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। उनका जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 को त्रितन्नी के, मद्रास के त्रितन्नी में, जो कि अभी फिलहाल चेन्नई में पढ़ते हैं। उनका पिता का नाम जो था विरास मियाँ था और उनकी माता का नाम सीताम्बा थी। उन्होंने जो है बचपन में शिक्षा दीक्षा वही तिरुतनी से प्राप्त किया और उसके बाद वो उच्चतर शिक्षा के लिए देश विदेश भी गए और शिक्षा के जगत में उन्होंने एक अलग क्रांति ला दी। इसके फलस्वरूप जब उन्होंने 40 वर्षों तक लगभग शिक्षा क्षेत्र में काम किया और शिक्षा को जो है एक नए ऊंचाई पर ले गए। और फिर जो है जब ये देश के कुछ नेताओं ने इन्हें जब समझा तो फिर इसको जो है एक देश को संचालक के रूप में चुना गया। देश के संचालक के रूप में यानी उपराष्ट्रपति के पद पर ये प्रथम बार चुने गए और प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए। 1952 से लेकर 1957 तक इन्होंने पहली बार उपराष्ट्रपति पद का चुना। फिर दूसरी बार इन्हें राष्ट्रपति पद को जो है सुशोभित करने के लिए इन्हें बुलाया गया। लेकिन क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो था वो थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति बनने से जो है वो पीछे हट रहे थे या घबरा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकते, तो इसके लिए आप नया कुछ किसी को चुने। तो उसके लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना जाने वाला था। तो फिर जो है रिक्वेस्ट पर फिर से राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति पद दिया गया, जिसके कारण वो दूसरा बार भी उपराष्ट्रपति पद पर है। फिर आगे लगातार जो है दो बार उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए तीसरी बार जो है वो राष्ट्रपति पद पर आए, यानी 1962 से लेकर 1967 तक जो है वो राष्ट्रपति पद पर रहे। और वह राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई अहम फैसले लिए और देश को जो है एक देश को भी उन्नति के बारे में फैसला लिया कि उन्होंने फांसी वाली जो सज़ा थी वो फांसी वाला सज़ा को जो है रोककर वो आजीवन कारावास में बदला। वो बताए कि जब तक कोई आदमी अघन्य अपराध न करे या जघन्य अपराध न करे तब तक उसको जो है फांसी की सज़ा नहीं मिलना चाहिए, जिसके वजह से आज हम लोग फांसी की सज़ा को है जो है बहुत कम देखने को मिलता है या ना के बराबर देखने को मिलता है। वो आज उसी का दिन है। अब जो है हम कुछ शिक्षक की महत्ता को जानते हैं। शिक्षक जो होते हैं हमारे समाज के निर्माता होते हैं, हमारे देश के निर्माता होते हैं। अच्छे शिक्षक वो हैं जो कि अपने कर्मों पर ध्यान दे और अपने जो है व्यवहार को भी सुदृढ़ रखे। शिक्षक का अर्थ ही होता है शिष्टा, क्षमता और कर्मठ। यानी जो भी शिक्षक होते हैं वो शिष्ट होते हैं, उसके पास क्षमताओं की कमी नहीं होती है और वो जो होते हैं वो कर्मठ होते हैं, हमेशा लगनशील रहते हैं छात्रों के प्रति। आज जो हम इस पद पर हैं तो हम एक शिक्षक के नाते जो है आज काम कर रहे हैं। भला कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच पाएंगे या उसकी बराबरी करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम उनके आदर्श पर चलकर हम जहां तक हो सके उनके आदर्श को फॉलो करेंगे और उनके आदर्श पर चलते रहेंगे। और ये जो है हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। आज हम इस शिक्षक के जो दर्जे पर हम आए हैं इसकी पदवी जो है हमारे समाज में भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हम निरंतर इसको जो है बनाए रखेंगे और हमारे ऊपर जो छात्रों का विश्वास है वो कभी हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षक का जो मेन भरोसा होता है वो छात्रों पर होता है, तो छात्र का भी भरोसा हम कभी नहीं जाने देंगे, जायज नहीं जाने देंगे। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा गुरु होता है यानी सबसे पहला जो गुरु होता है वो हमारी माँ होती है। हमारी माँ भले ही अनपढ़ हो उसे नहीं पता कि बच्चों को 2 रोटी का भूख लगा है, वो 4 रोटी लाकर हमें दे देती है। उसको जब 8 बजे जगाने को बोले तो वो 6 बजे उठाकर हमें 8 बजे का इतला देती है। तो वो जो है भले मूर्ख है हमेशा वो अपने बच्चों के हित के बारे में सोचती है, वो हमेशा हर संकट को अपने ऊपर ले लेती है। तो ये इस दुनिया में जो है माँ से बड़ा कोई भी आपको जो है चाहने वाला नहीं है, इसलिए माँ और पिताजी और आपके जो गुरुजी हैं उसका हमेशा आदर कीजिए। हमारे जीवन में जितने भी गुरु आए यानी जो भी हमारे 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 जीवन में जो भी एक शब्द भी हमें शिक्षा का दिया उन सभी को हम नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है शिक्षक वो नहीं होता है जो कि सिर्फ पढ़ाई करे, शिक्षक वो होता है कि हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। शिक्षक का कोई धर्म होता है ना, वो हमेशा हर वर्ग को हर धर्म को जो है शिक्षा देते हैं। हमारे जीवन में जो शिक्षक है, शिक्षक हमें अज्ञानता रूपी जो है अंधकार को दूर भगाकर हमारे जीवन में
प्रकाश रूपी ज्ञानता को लाते हैं, हमारे जीवन में जितना भी अज्ञानता है उसे दूर करते हैं। जिस प्रकार एक माली जो है वृक्ष को तब तक सींचते रहता है जब तक कि उसमें फल फूल नहीं लग जाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक तब तक छात्रों को सींचते रहता है जब तक वो कहीं ना कहीं सफल ना हो जाए। इसी तरह से हम एक कहानी के माध्यम से उसको समझने का कोशिश करेंगे। एक भागवती नाम की एक लड़की थी जो विष्णु भगवान को पूजन करते थे, विष्णु भगवान को पूजा करते थे। हर दिन वो मंदिर को साफ करना, हर दिन मंदिर में पूजा पाठ करना, और हर दिन वो इस तरह से पूजा करती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन जो है एक चोर देखा कि ये बहुत ही सरल स्वभाव की है, बहुत ही सच्ची स्वभाव की है, इसको हम ठग सकते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको ठगने के लिए साधु का वेश ले लिया। साधु का वेश लेकर उसके पास जब पहुंचा, क्योंकि वो एक बड़े घर की बेटी थी, राजा महाराजा की घर की बेटी थी, तो उन्हें ठगने का उपाय सोचा। तो उन्होंने कहा, वो साधु के वेश में गए और भाग्यवती से कहा कि हमें जो है मतलब हमें जल पीना है। तो फिर भाग्यवती ने जल लेकर आया उसके सामने, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, कहा कि हम जो है जल उन्हीं के हाथों से पीते हैं जो कि दीक्षा ग्रहण किए होता है। तो उसने पूछा, क्या तुमने दीक्षा ग्रहण की है? तो उन्होंने कहा, नहीं हमने दीक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन आप अगर हमको दीक्षा ग्रहण कराना चाहते हैं तो हम जो है तैयार हैं। तो साधु महाराज तैयार हो गए और उन्हें दीक्षा दिलाने के लिए वो राजी हो गए। इस तरह से जो है वो साधु महाराज उनको बोले कि तुम्हारे पास जितने भी जेवर है, गहना है, उस सबको लेकर जंगल में चलो, जबकि एकांत जगह है वहीं पर हम दीक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार से वो गई जंगल में, जहाँ पर उन्हें जो है वो साधु महात्मा से दीक्षा लेना था। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो साधु महात्मा भागवती को बांध दिए, गाछ से बांध दी और बोला, जब तक हम ना बोले तब तक जो है तुमको ये जो है बंधन नहीं खोलना है और तब तक आजाद नहीं होना, नहीं तो दीक्षा जो होगा तुम्हारा अधूरा रह जाएगा। और वो बांधी रही, वो साधु जो चोर के वेश में था वो सारा चीज लेकर चला गया, सब चीज लेकर, उसका जितना भी आभूषण वगैरह था सब चीज लेकर चला गया। और इस तरह से वो बंधी रह गई। जब देखा भगवान विष्णु ने, जब देखे कि कई दिनों से हमारी जो पूजा करने आती थी हमारी भक्त जो वो नहीं आ रही है, तो उसने खोजना शुरू किया, आखिर वो गए कहाँ। तो खोजने के बाद पहले नारद जी आए, तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे वो बंधी हुई है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम इसको आजाद कर देते। उसने कहा कि तुमको जो हम इस बंधन से मुक्त करते हैं। तो लड़की बोली, नहीं हम जो है बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें जो है गुरु का जो है ये गुरु का बंधन है, गुरु ने हमें बांध दिया है और बोला है जब तक हम ना बोले तब तक इस बंधन से मुक्त नहीं होना। और इस प्रकार से वो बंधी रही। फिर वो नारद निराश होकर चला गया भगवान के पास कि भगवान ये तो लड़की हट है, मानी नहीं रही है, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। फिर भगवान विष्णु आए और वो उसने जो है उनका बंधन को मुक्त कराना चाहा, लेकिन उनसे भी वो नहीं मानी, कहे कि अगर हमने हमें गुरु बांधा है तो हम गुरु से ही आजाद होंगे। तो फिर भगवान जो है वो खोजना शुरू किया, आखिर वो है कहाँ, साधु महात्मा आखिर है कहाँ। तो वो खोजना शुरू किए तो पता चला कि वो जो है कहीं ना कहीं वो चोर था, तो कहीं ना कहीं वो चोरी कर रहा था। तो पकड़ के उसे लाया गया, तब जब वो साधु महात्मा जो है वो आए, तब उन्होंने वो बंधन खोला और वो मुक्त हुई। तो वो जो है एक गुरु के चलते, वो समझो भले चोर था लेकिन एक गुरु के चलते उसे भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी हमारे सामने तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको मैं पहले प्रणाम करूं। वो लड़की के सामने एक समस्या आ गई कि मेरे सामने तो गुरु भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं, यानी भगवान भी खड़े हैं, किसको मैं पांव पकड़ूं। तो वो असमंजस में पड़ गए। फिर वो सोचे कि हमसे तो है सबसे बड़ा तो ये गुरु है जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाया, क्योंकि वो अपने हट के कारण आज जो है भगवान को प्राप्त हुई। इस प्रकार से वो जो है हमारे समाज को ये शिक्षा देना चाहती है कि गुरु जो होता है, गुरु का जो पदवी होता है वो कहीं ना कहीं भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि भगवान के बारे में हमें साक्षात्कार गुरु ही कराते हैं। और इस तरह से उसे जो है गुरु और भगवान दोनों का आशीर्वाद मिल गया। अब हम चलते हैं हमारे जो है कुछ अलग पहलू, आजकल के जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है, हमारा शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं आज जो है गर्त की ओर जाते जा रहा है, कहीं ना कहीं नीचे जाते जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही नीचे जाते जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा शब्द नामक जो है शिक्षा शब्द गायब होते जा रहा है, सिर्फ बचा है तो व्यवस्था। तो क्या हम उसी को लेकर कि हम कैसे शिक्षा व्यवस्था को फिर से जो है जागृत कर सकते हैं, कैसे शिक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ कर सकते हैं, इसके प्रति हम लोग चलना शुरू किए हैं कि शिक्षा व्यवस्था को फिर से कैसे हम आगे की अग्रसर करें और एक ऊंचाई तक ले जाए।
तो ये जो हमारे आजकल के शिक्षक है, जो कि हम देखते हैं स्टूडेंट का ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं, ना ही कुछ वो सही से नॉलेज दे पाते हैं, बस उसे जो मिलता है वो किताबी नॉलेज मिलता है, जिसके वजह से वो तो नंबर अच्छे ला लेते हैं, वो रट के पढ़े या किसी भी तरह से नंबर अच्छे तो ला लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है सबसे मेन जरूरी चीज जो है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, यदि उनका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तभी वो जो है आगे उसका जो जो भी पठन पाठन है वो कार्यक्रम सुदृढ़ हो पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है सबसे बड़ा चीज है। यदि आप रट लेते हैं तो भले आप आज पास कर जाए लेकिन कल को आपको दिक्कत होना ही है। तो समाज में इस तरह की जो है व्यवस्था फैल गई है, कहीं ना कहीं वो जो है पढ़ाई को एक व्यवसाय के तौर पर जोड़ दिए हैं, वो पैसे से जोड़ दिए हैं, पैसा कमाना चाहते हैं व्यवसाय शिक्षा के नाम पर, तो वो गलत है। यदि आप आपके पास जो है हजारों विद्यार्थी का आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका वहन आप सही ढंग से कीजिए, सुचारू ढंग से कीजिए, क्योंकि यदि आप अभी से उसको अगर सही से सीखिएगा तो, क्योंकि ये देश निर्माता है, ये जो है नए देश का निर्माता, ये देश का निर्माण करने वाले हैं, ये बच्चे ही है जो हमारे देश को आगे जाके संभालेंगे। यदि उनको आप गर्त में धकेलते जाइएगा तो एक ना एक दिन हमारा देश जो है नीचे धरातल पर आकर रुक जाएगा। तो इसलिए आप जो है उन सभी छात्रों को जो भी आप ये ठगन का कार्यक्रम कर रहे हैं वो बंद कर दे, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश आगे उन्नति करे तो हमारा देश उन्नति करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है उन बच्चों को आपको अग्रसर करना पड़ेगा अच्छी शिक्षा के लिए, ना कि वो रटा रटावल वाला सिस्टम लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कई सारे शिक्षक भी जिम्मेदार हैं, मैं किसी का जो है कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो है हमें अच्छी नहीं लगी और ये एक तरह से शिक्षा व्यवस्था को नीचे ले जा रही है, इसलिए हमें इसके बारे में दो शब्द बोलना जरूरी लगा। इसलिए मैं ये चाहते हैं कि क्या शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव होना चाहिए, तो सभी का जवाब होगा जी जरूर होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है आज का ऐसा हो चुका है कि उसमें शिक्षा शब्द गायब हो चुका है, बचा है तो सिर्फ व्यवस्था। आपको व्यवस्था में कहीं कमी नहीं मिलेगी, शिक्षा में भले कमी मिल सकती है, इसलिए जो है शिक्षा आज बहुत गर्त पर जाते जा रहा है, बहुत नीचे जाते जा रहा है, और शिक्षा की हालत ये हो चुकी है कि लोग शिक्षा के नाम पर जो है सिर्फ और सिर्फ रटाने वाले शिक्षा देते हैं और सिर्फ किताबी नॉलेज देते हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब है उसे जो है ऐसा चीज दीजिए जो आगे वो हमेशा उसका सामना कर सके, आगे जो भी उसके पास उसके सामने मुश्किल आएगी वो सब मुश्किलों से लड़ सके। तो शिक्षा वो चीज़ है, ना कि आप उसको पोथी का पोथी रटवा के आप शिक्षा देकर उभे दिए, वो तो कुछ समय के लिए उसके पास रह जाएगा, कुछ समय के लिए वो शिक्षा उसके काम कर जाएगा, वो जिस एग्जाम में बैठेंगे वो एग्जाम फले पास कर जाएगा, लेकिन आने वाले समय में वो चुनौतियों से नहीं लड़ पाएगा। तो उसे चुनौतियों से लड़ने के लिए खड़ा कीजिए, क्योंकि शिक्षा का जो है मेन उद्देश्य वही होता है कि आने वाले जीवन में हर चुनौतियों का वो खुलकर सामना कर सके। हमारे समाज में गार्जियन से भी मैं इतला कर गार्जियन से भी थोड़ा सा अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बच्चों को जो काम आते हैं, यानी अपने बच्चों को वो जो है थोड़ा सा डिमोरलाइज करते रहते हैं, डिमोरलाइज ना करें। बच्चों में जो है हमेशा क्षमताओं की कमी नहीं होती, उसके पास असीम क्षमता होती है। आप जो कंपेयर करते हैं सिर्फ रिजल्ट के टाइम में कि शर्मा जी का नंबर देखो, शर्मा जी के बेटा का नंबर देखो, वर्मा जी के बेटे का नंबर देखो, ये गलत है। आप उससे पहले आप उसको एक बार अप्रिशिएट करके देखिए, उसे एक बार देखिए कि आप एक बार भी अगर उसको एक महीना में एक बार भी अगर आप पूछते हैं कि किस तरह से आपका पढ़ाई चल रहा है, तो उसे लगेगा ना हम हमारे पीछे कुछ कोई ना है, कोई जो हमारे पीछे कोई तो है जो हमें हमेशा जो है हमेशा सतर्क करता रहता है, वो उसके मन में डर बना रहेगा और वो जो है हमेशा पढ़ाई से कभी भी नहीं भागेगा। इसलिए कम से कम एक बार जो है उसे अप्रिशिएट कीजिए और उसे पढ़ने पर जो है आगे कीजिए। आप बस थोप देते हैं उसे ऐसे टीचर के पास जो कि सही से ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं, ना सही से शिक्षा के नाम पर जो है ना सही से वो शिक्षा दे पाते हैं, सिर्फ वो जो है किताबी वाले नॉलेज को भर देते हैं, जिससे कि वो आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं और आपके जो है ये बिछाए हुए सिस्टम है उसमें तो वो नंबर भले ला लेते हैं या कभी कभी वो नंबर नहीं ला पाते, जिसके कारण आप उसकी क्षमताओं को नहीं आंक पाते। इसलिए आप उसकी क्षमताओं को कभी भी अंक के आधार पर नहीं तोलिए, उसके पास असीम क्षमता होती है, बस उसको एक बार अप्रिशिएट करके देखिए, वो जरूर आपका नाम हमेशा ऊंचा करेगा, क्योंकि आप निरंतर उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट तब होता है या आप लंबे समय से उस पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट तब करते हैं लोग कि जिस पर कि उसको हाई प्रॉफिट नज़र आता है, तो आपको उस बच्चे से हाई प्रॉफिट चाहिए, हाई प्रॉफिट के उद्देश्य से आप उस पर खर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है उसका हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा, इसके लिए उसको हमेशा जो है उसके लिए हमेशा उसको जो है हौसला बढ़ाए रखना पड़ेगा, ताकि वो एक दिन आपका जो है नाम रोशन कर सके, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आप जो है सही जगह इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके जो है
छात्र पर ही, छात्र के आपके जो बच्चे हैं वही आपको जो है आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं तो आप अपने छात्रों के बदौलत ही पा सकते हैं, क्योंकि अब तो आपका आपका आप उम्र नहीं बचा और जो भी है आप इस पर अगर आप अपने बच्चों पर अगर उम्मीद लेके बैठे हैं तो उसको कम से कम अप्रिशिएट कीजिए और उसे आगे पढ़ने के लिए हमेशा अग्रसर कीजिए।